सुपरमैन की वापसी। ये एक ऐसे बहादुर देश सेवक की दास्तान है जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए और कानून का साथ देते हुए बदमाशों के अड्डों को खत्म किया। ये है मिस्टर सुपरमैन के दोनों रूप। दुनिया है, कहते हैं कि अभी सूरज के पिघले हुए लावे का एक हिस्सा अलग हो गया और वक्त के साथ साथ घूमते हुए उसने इस जमीन की शक्ल इख्तियार कर ली। इसमें गर्मी, सर्दी और आबो हवा के असर से जिंदगी पैदा हुई। परिंदे, दरिंदे, जानवर और इंसान, ये जिंदगी कई एक दौर से गुजरी। जंगलों में रहता था, फिर धात का, और आहिस्ता आहिस्ता साइंस की इजाद हुई। इंसान ने जमीन और पानी पर काबू पाया, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई। आसमान, आकाश, जहां हम रात को अनगिनत चमकते हुए सितारे और चांद देखते हैं। इंसान ने इनको दूरबीन की मदद से देखा तो मालूम हुआ कि ये सब हमारी दुनिया की तरह है। सितारों के आगे जहां और भी, अब इंसान रॉकेट की मदद से इन तक पहुंचने की कोशिश में और कुछ कामयाब भी हो गया। Thank you.
लगता है दूसरे सितारों के लोग ऐसी ही कोशिश में गुमनाम हवाई जहाज या इस किस्म की कोई और इजाद हमारी दुनिया की तरफ भेजे और एक दिन ऐसा ही एक गुमनाम जहाज सा हमारी दुनिया की तरफ आया। और कहीं खेतों में उतरा परंपार है। घर में औलाद नहीं थी मगर कहीं से ये प्यारा सा बच्चा भेज दिया। अरे रामू, ये बच्चा सुबह सुबह कहाँ से ला रहे हो? पंडित जी, आप तो जानते हैं घर में कोई औलाद नहीं। पिछले साल जब जमुनापुर गया था तो भाई ने कहा कोई मुतबन्ना बना लो। आज भगवान ने भेज दिया, बेटा बना के पालेंगे, शायद बड़ा होकर बुढ़ापे का सहारा हो जाए। क्यों नहीं, सुखी रहो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, मगर लड्डू जरूर खिलाना। जरूर पंडित जी, जरूर। राधे श्याम, राधे श्याम। इधर तो आ। क्या हुआ, खेतों से वापस आ गए? देख तेरे लिए क्या लाया। बच्चा किसका है? ये बच्चा आज से अपना ही बच्चा है। मगर ये है कौन, किसका है, कहाँ से लाए हो? ये मैंने ले लिया है, तुम ही से गोद ले लो। अगर भगवान ने हमें अपनी औलाद नहीं दी तो क्या हुआ, बड़ा होकर ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तुम्हें पसंद है? जरूर जरूर। बच्चा तो गोद ले रही हो, पूरे गाँव वालों को लड्डू खिलाने होंगे। हलवाई को कहिए। अरे हाँ, गांव वाले बच्चे का नाम पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। भगवान तेरा बहुत बहुत उपकार है कि मेरी गोद भर दी। भगवान पहले बच्चे का नाम तो तय कर ले। भगवान की जय के साथ मेरे बेटे का नाम भी जय हो गया। अच्छा अच्छा, लड्डू कह जाऊ। माँ माँ पानी 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 पियोगे बेटे? पियो 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 पियो। संदू संदू, वाह वाह वाह, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, कितना होशियार हो गया मेरा बेटा, वाह 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 वाह। Thank you.
मीठे तंदू। अरे यहाँ तो कुछ नहीं। बाबा बाबा ये नीचे देखो संदू। बहुत देर कर दी राधा, आज एक अजीब बात हो गई है। भगवान खैर करे, मगर ये संदूक क्या? ये देखो। अरे ये सब क्या, किसका उठा लाए हो? कौन जाने किसका था, मगर आज अपनी जमीन में से निकला है और वो भी अपने जय को मिला है। राधा न जाने कौन सी अजीब ताकत है इसके पास, इसे तो जमीन के अंदर ये संदूक नजर आया। इसके बार बार कहने पर मैंने वो जमीन खोदी और अंदर से ये संदूक निकाला। हे भगवान ये सब क्या है? राधा मगर ये सब दौलत इसका क्या किया जाए, ये हमारी नहीं है। न जाने इसका असली मालिक कौन है। धरती माता इसकी असली मालिक है, सो इसे किसी नेक काम में लगा दो। धरती माता, इसे धरती माता की सेवा में अर्पण कर दें। हमारे नेता डैम के लिए रुपया पैसा जमा कर रहे हैं और डैम धरती की बेहतरी और हम सब की भलाई के लिए बनाया जा रहे हैं, तो ये सब अपने बेटे की ओर से डैम के लिए चंदे में दे दें। जैसे तुम्हारी खुशी, ये तो बहुत अच्छा काम है। आज सुबह मेरा राजा बेटा मेरे साथ कलेक्टर साहब के यहाँ चलेगा। चलेगा ना बेटे? मेरा अच्छा बेटा। राम दयाल जी, मुझे यकीन है सरकार आपकी इस भेंट को बड़ी खुशी से स्वीकार करेगी। आज हिंदुस्तान को अपने पंचवार्षिक योजना को कामयाब बनाने के लिए आप जैसे देशभक्तों की जरूरत है। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और आपके बेटे जय को भी। क्यों बेटे, पढ़ लिख के क्या बनोगे? मैं आपकी तरह बनूंगा और बुरे आदमियों की पिटाई करूंगा। शाबाश, इरादा तो बड़ा नेक है। बच्चे की बातों पर न जाइए सरकार, गरीब किसान का छोकरा चार जमात भी पढ़ जाए तो बहुत है, पर चाहता हूँ कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और कोई देश सेवा का काम करे। तो आप फिक्र ना कीजिए रामदयाल जी, मैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से सिफारिश करके आपके बच्चे की पूरी तालीम का इंतजाम कर दूंगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सरकार। बेटे बेटे साहब को नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटे, आओ। एक एक दो तीन चार पाँच। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मेरा बेटा कितना अकलमंद हो गया है। लो बेटा पढ़ो। आ आ इ ओ ओ री ए आ ओ अं अं फिफ्टी। थैंक यू जॉनी। चार पांच साल की अकल और नकल के इस्तेमाल के बाद आखिर वकील साहब बन गए। अब क्या इरादा है? जय घिस घिसा कर मैंने ये डिग्री तो हासिल कर ली, अब आइंदा का नो प्रोग्राम। तो क्या उम्र भर घर से मनी ऑर्डर मंगवाते रहोगे? देखो तुमने तो आजाद देश अखबार ज्वाइन कर लिया, न्यूज रिपोर्टर से तरक्की करते करते किसी दिन किसी अखबार के एडिटर बन ही जाओगे। हा? मैं अपने बारे में नहीं जनाब के बारे में पूछ रहा था। अपना क्या है, इस साल शादी कर लेंगे, सिर्फ लड़की मिलने की देर है। अबे रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड, मैं जिंदगी का प्रोग्राम पूछ रहा हूँ और तुम शादी का जिक्र कर रहे हो। उस शादी भी जिंदगी का जरूरी प्रोग्राम है। मुबारक हो, मगर वकालत कब शुरू कर रहे हो? छी, वकालत कौन करना चाहता है, ये डिग्री तो सिर्फ BLLB का बोर्ड लगवाने के लिए ली है। अगर वकील बनने का इरादा नहीं तो मेरे साथ न्यूज़पेपर ऑफिस ज्वाइन कर लो। जय मगर ये होगा कैसे? मैंने एडिटर से बात कर रखी है, बस तुम्हारे इंटरव्यू की देर है। गुड, मगर ये इंटरव्यू कब होगा? आज ही। वेरी गुड है, नेकी और पूछ पूछ जॉनी मैच बॉक्स। ओह श्योर श्योर।
और मैचेस के सिगरेट ये लो। थैंक यू। चलो चलो। और ये जो स्मगलिंग से हमारे देश का करोड़ों का नुकसान हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश जरूरी है। हवाई रास्तों से पूरी पूरी चेकिंग हो रही है, रेलवे स्टेशनों पर नहायत होशियारी से काम हो रहा है, और ये जो समंदर के कई एक वीरान किनारे उनकी देखभाल बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैंने एक खास कदम उठाया है। आप इस शख्स से पूरी तरह वाकिफ हैं? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं और मुझे यकीन है कि वो इस मामले में जरूर कामयाब होगा। हाँ हेलो, आजाद देश डेली प्लीज। हेलो, यस एडिटर आजाद देश डेली प्लीज। हाँ मैं इंस्पेक्टर दिलीप बोल रहा हूँ। हेलो सर, हेलो हाउ यू। हाँ जी, हाँ साहब मैंने आपका वो संडे एडिशन का स्मगलिंग पे लेख पढ़ा। हाँ साहब, और वाकई मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि इस बीमारी का इलाज हम यानी कि पुलिस और प्रेस दोनों मिलकर कर सकते हैं। हाँ जी, आइए किस्सा ले लीजिए ना। मैं भी डॉक्टर से होके आ रहा हूँ। एक समुद्री जहाज में वहाँ के पैसेंजर के बिस्तर में से टू बी एग्जैक्ट उसके तकिए में से 170 तोले सोना और 11 हीरे निकले। हाँ साहब, माल यही कोई 45,000 का होगा। ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स वो पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया उसे। हाँ जी, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल जी। हाँ हाँ, जरूर इतला करूँगा। ओके बाय, गुड मॉर्निंग। कल शाम मैं सिनेमा पर खड़ी जनाब का एक घंटा इंतजार करती रही और आपसे सॉरी भी नहीं कहा गया। अरे उषा, आई एम सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। भूलना तो मर्दों की पैदाइशी आदत है, कभी आप ये भी भूल जाएंगे कि मेरा नाम उषा है। बस बस, गुस्सा छोड़ो और मुस्कुराओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हम तुम्हारा क्या खिदमत कर सकता? खिदमत के लिए तो मैं हाजिर हूँ। आई बेग टू रिमेन मैडम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट जॉनी बर्गेंजर। व्हाट मैन, हम तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब बिल्कुल साफ है, यहाँ मुझे ये जैसा लाए हैं बॉस से मिलाने के लिए नौकरी की खातर, और मेरे ख्याल में इस दफ्तर की बॉस आप मालूम होती हैं, हैं? तुमको गलती हुआ मैं, हम तो ओनली टाइपिस्ट हैं। नेवर माइंड, अगर आप बॉस नहीं तो तरक्की करते करते बॉस बन ही जाएंगे। आप जैसी खूबसूरत पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की को तो दिल की आई मीन इस ऑफिस की बॉस बनना ही चाहिए। थैंक यू। जॉनी वो काला जगह है, यू डोंट माइंड, ये अपना यार है। जॉनी हेलो, यस यस। हाँ देखिए, आप अपनी ये रिपोर्ट हमारे न्यूज एडिटर को लिखवा दीजिए। सॉरी, ओके। आओ जैक, बैठो। थैंक यू। ये हैं मिस्टर जॉनी, जिनका जिक्र मैंने परसों किया था। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपके चंद आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरे। मैं इन्हें चंद रोज अपने साथ रखकर लाइन पर डाल दूंगा। मैं पटरी से उतरी रेलवे लाइन पर डाल दोगे हैं? हाँ विजय, तुम स्मगलिंग के बारे में एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखो। ये बुराई हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। हर रोज हवाई, समुद्री और खुश्की के रास्ते करोड़ों की हेराफेरी हो रही है। पुलिस बहुत कोशिश कर रही है, मगर हर बुरे आदमी के लिए एक पुलिस मैन तो मुकर्रर नहीं किया जा सकता। इस बुराई को लोगों के दिलों से निकालना चाहिए। यहाँ कई एक समंदर के सुनसान किनारे हैं जहाँ स्मगलर्स कश्तियों के जरिए हेराफेरी करते हैं। दो एक दिन में मैं आपको अपनी रिपोर्ट पेश करता हूँ। हाँ विजय, अगर कोई खास खबर हो तो जरूर फोन करना। श्योर श्योर। आ भाई जॉनी, तुझे घुमा ले। अबे मैं लेता हूँ, नहीं जो मुझे घुमाओगे। हाँ अच्छा जी। हेलो, एडिटर आजाद देश डेली स्पीकिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग वर्मा साहब, कहिए क्या बात है? शाम को 5 बजे, ऐसी क्या खास बात है? चाहे पर हो, आप इत्मीनान रखिए, मैं जरूर हाजिर हो जाऊँ। मैं कह तो रहा हूँ, मैं जरूर हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। हेलो,
Johnny, you got a message then? Oh, sure, sure. Thank you, Johnny. Matches के लिए सिगरेट? Three cigarette पीने की आदत नहीं है तुम्हें? ये लो। ओहो, ये आदत नहीं है। तुमको मैनर्स सिखा रहा हूँ। जी। अच्छा, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम? शहर से दूर, समंदर के किनारे, वीरान बीच की सैर कराने ले जा रहा हूँ तुम्हें। है तो क्या हम अकेले ही जाएंगे? जी नहीं, दो चार सवारियाँ और ले लेंगे। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं, मोटर कार है। ओहो, नाराज क्यों होते हो? चलो। उषा, 5 बजे मुलाकात होगी। किस लिए? इसलिए कि गुस्से से तुम्हारे चेहरे पर लाली आ जाती है और तुम ज्यादा हसीन दिखाई देती हो। हाँ मैडम, फिर 5 बजे मुलाकात होगी। हैं? जॉनी, पहली मुलाकात और दूसरी अपॉइंटमेंट? अजी अपॉइंटमेंट कहाँ, जो अपॉइंटमेंट है। चलो चलो। Thank you.
मुझे देखते ही शक हो गया था, इसलिए तो तुम्हें पीछा करने के लिए भेजा था ना। और मैं समझा कि कोई मालदार आसामी है, इसलिए पीछा करने को कहा। पापा जी, उसने तो मेरी हड्डी फसली सब नरम कर दिया। उसने जरूर कोई गैबी ताकत थी बॉस। उसके एक याद से मैं ऐसा गिरा कि मेरे होश जाते रहे। हाँ, ये सब तो मुझे पता है, लेकिन सवाल ये है कि हमें करना क्या है। हमें ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हो सकता है खुफिया पुलिस वाले हमारा अड्डा ढूंढ निकालने की कोशिश कर रहे हो। जरूर कोई गड़बड़ है। तुम सब लोग होशियारी से आया जाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। राजन, समुद्र के किनारे खंडरात के नीचे जो माल है वो सुबह कॉटेज में पहुंचा दो, समझे? ओके। तुम अपन से एंग्री क्या? ओहो, आज हम एक फाइट में फंस गया था, इसलिए लेट चला। तुम हमसे बात नहीं करेगा? हम मॉर्निंग से तुम्हारा वेट करता था, तुम्हारा रात के 8 बजे। आज तुम हमको पिक्चर लेके जाने वाला था ना? I'm very sorry, Sarah. मैं बिल्कुल भूल गया था। भूल गया था? हम सब समझते हैं। तुम किसी के साथ घूमने गया होगा या कड़का होगा? What man? मैं और कड़का? आज ही मेरे डैडी ने 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। सच? मनी ऑर्डर भेजा? हमारा प्रेजेंट का? तुम्हारा प्रेजेंट खरीदने तुम्हें बाजार ले जाने से आया हूँ। Yes. हम अभी तैयार होके आता है, हमारा वेट करो। ले बेटा, जॉनी फंसे। एक बात है, आज फाइट में अपन ने वो हाथ दिखाए कि कसम गॉड की बिल्कुल थक गया हूँ। तुमने डिनर तो नहीं खाया? अभी तो नहीं। हाँ, तो आज अपन तुम्हारे साथ फ्री डिनर खाएगा। और हमारा प्रेजेंट? ओहो, तुम्हारा प्रेजेंट उधार रहा। अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है ना, तो उसको इकट्ठा ले लेना। भूलना मत। तुम्हारा बर्थडे भूलने वाली चीज है। बेटा जॉनी, बाल बाल बच गए। क्या कहा? मैं कहा फाइट में बाल बाल बच गया। उलझाया नहीं करते मेरी जान।
जाया नहीं करते मेरी जान। खूबसूरत कहीं करती हो आज जवाब नहीं क्यों ना हो हर खूबसूरत चीज खूबसूरत ही काम करती है हैं? तुम्हारी ये नाजुक उंगलियां थक गई होंगी इनकी मैं भी खिदमत कर सकता हूँ बैठो ना जॉनी तुम खड़ा खड़ा थक जाएगा थैंक यू जनाब के घर गया था फ्री लिफ्ट देने के लिए और आप पहले से यहाँ मौजूद हैं अपन ने तुमको इस साल का प्रोग्राम बता दिया था चलो प्रोग्राम बाय बाय जॉनी आज यहाँ से 2 मील दूर होगा तुम लोग कश्ती लेकर रात को 12 बजे वहाँ पहुँच जाओ सिग्नल का ख्याल रखना और लाल बत्ती का इशारा दे जहाज तक पहुँच जाना 5 पेटियां संभाल कर ले लेना सुबह 6 बजे कश्ती लेकर यहाँ वीरान बीच पर आ जाओ पेटियां होशियारी से उधर खंडरात में छुपा देना फिर रात को वहाँ जाकर सब इंतजाम कर ले समझे Yes, police station. Inspector Dilip speaking. Yes. क्या? कल सुबह 5 बजे करीब. कहाँ? विरान बीच. हाँ. लेकिन आप कौन? क्या कहा? कश्ती में. हाँ जी. 5 पेटियाँ. कहे की लेकिन? होल्ड ऑन प्लीज होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट सोना या शराब हाँ मगर आपको अपना नाम बताना चाहिए जी
सुपरमैन? क्या मतलब? हाँ हाँ, लेकिन वो ठीक है, देश सेवा ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या? हेलो हेलो, यस सर, कल वो मैंने वीरान 20 के सिलसिले में एक रिपोर्ट दी थी। यस हजूर, आज उसके बारे में एक और खबर मिली। वो क्या? सर अभी अभी किसी का सुपरमैन के नाम से टेलीफोन आया और कहा कि कल सुबह 5 बजे के करीब वीरान बीच पर 5 पेटियां कश्ती के जरिए उतरने वाली हैं, सोने या शराब की। मेरे बार बार पूछने पर उसने अपना नाम सिर्फ सुपरमैन बताया। तुम्हारा क्या ख्याल है? सर हो सकता है कि स्मगलर्स के ग्रोह का कोई आदमी उनसे बिगड़ा हुआ हो और उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहता। पॉसिबल। तुम 6 सिपाहियों को साथ लेकर रात के 12 बजे से बाहर ड्यूटी दो। राइट सर। मगर छुप कर। ओके सर। ताकि अगर इस इत्तला में कोई सच्चाई हो तो उन लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लो। ओके सर। दिलीप, यस सर। तुम उस समुंदर के किनारे से पूरी तरह वाकिफ हो ना? ऑफ कोर्स। तो जाओ और अगर कोई खास बात हो तो मुझे इत्तला देना। यस सर। मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जहां तक मुमकिन हो पूरे के पूरे ग्रोह को गिरफ्तार किया जाए। इक्का दुक्का गिरफ्तारी से उनके लीडर कहीं छुप जाएंगे और कुछ अरसा बाद वो नया ग्रोह बनाकर इस बुराई को जारी कर देंगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, पूरे के पूरे ग्रोह को ही गिरफ्तार करना चाहिए। जाओ तुम लोग छुप जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। के नुकसान का सवाल नहीं है, सवाल यह कि तुम सब लोग लापरवाह हो गए। बॉस गजब हो गया, एन मौके पे पुलिस। वो तो खैर गुजरी कि हम लोग खुफिया रास्ते से भाग निकले, वरना सबके सब धर लिए जाते। मेरी तो जाते वक्त की बाई आंख फर्क रखती बॉस। तो बाई आंख निकलवा दीजिए। सॉरी। तो नुकसान कर दिया, ऊपर से बकवास करते हो। मगर ये पुलिस को खबर किसने दी? देखता हूं किसके बुरे दिन आया जो मुझसे टक्कर ले रहा। अब आपको मेरी बात का यकीन आया? रियली इट्स अ न्यूज़। मगर ये कौन हो सकता है? होगा कोई सरफिरा जो जान हथेली पर रखकर उन बदमाशों को गिरफ्तार करवाना चाहता है। हो सकता है उन्हीं में से कोई हो, शायद उनका आपस में झगड़ा हो गया हो। अगर ऐसा होता तो वो सब कभी के गिरफ्तार हो जाते। यस ये भी मुमकिन। खैर आपको तो गर्मा गर्म खबरें मिल रही हैं, अब हमें इजाजत दीजिए। चल भाई जॉनी। कल इतवार है। जी हाँ, हर 7वें दिन इतवार होता है। पिछले हफ्ते तो इतवार था। पिछले हफ्ते की बात और थी, मगर कल तो पिकनिक पक्की।
अगर मैं भूल गया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तू खड़ा थक गया ना, बैठो ना। थैंक यू। वाह क्या बात है। आहिस्ता बोलो, काय को खाली पीली बम पड़ता है। हम तो प्यार से तुम्हारा नाम लेता था, हम तुमको इनविटेशन देने आया है। इनविटेशन? कौन सा पार्टी का? पिकनिक पार्टी का, बीच पर समुद्र किनारे, नाच डांस गाना है। कम ऑन, कम ऑन। देख बाबू दे, दुकान से मैं लाई हूँ एक केक, मर्जी हो तो टेक बाबू, मर्जी हो ना टेक बाबू, देख बाबू दे। बहुत सस्ती गाहक की जैसी हो हस्ती, बहुत महंगी बहुत सस्ती गाहक की जैसी हो हस्ती, ले जाएगा कोई दिल वाला किस्मत वाला है। बाबू देख बाबू दे। हो जाएगी उल्फत मिस्टर, देख के इसकी लज्जत मिस्टर, हो जाएगी उल्फत मिस्टर। लेकिन सुन लो शर्त हमारी, दोगे ना तुम फेक फॉर गॉड से, देख बाबू दे। प्यार कहीं इकरार करेगा, हम तो तुमसे प्यार करेगा, प्यार कहीं इकरार करेगा। चाहे हो नदिया का किनारा, चाहे रोमांटिक ले, देख बाबू दे। सौदा कर लो प्यार से, अपना पॉकेट भर लो, दिल से दिल का सौदा कर लो, प्यार से अपना पॉकेट भर लो। बीत गई गरियों ही जवानी, हो जाओगे ले ओ बाबू, देख बाबू दे। राजन, आज तुमने कुछ देखा? यस बॉस, ये लोग मुझे ठीक नहीं लगे। इनकी आप बार बार इस तरह बेधड़क आने से जाहिर है कि दाल में कुछ काला है। आपको लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट है या लोगों के साथ जो थी उनमें? मैडम प्लीज, मामला बहुत सीरियस है, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक कौन कर रहा है? मगर आप लोगों को उनकी पिकनिक देखकर इस कदर परेशानी क्यों हो रही है? इसलिए कि उनमें से एक आदमी वो था जिसे उस दिन हाथापाई हुई थी और वो अचानक गायब हो गया, और एक सुपरमैन आत्म का, बाकी तो तुम सबको जानती हो। बॉस, अगर उस आदमी को पकड़ लिया जाए या उस दिन तुम्हारी बहादुरी कहाँ गई थी? तुम तो सिर्फ बातों में बहादुर हो। बॉस, इसकी बात में कुछ दम जरूर है, उसको ना सही लेकिन उसके साथ जो थी उनको पकड़ा जा सकता है, गायब किया जा सकता है। और हो सकता है वो आदमी इस तरह सीधे रास्ते पर आ जाए। सीधे रास्ते पर आ जाए या हमारे रास्ते पर आ जाए? मेरा भी तो यही मतलब था। मैं समझ गया आपका मतलब। राजन, ये काम करेगा कौन? ये काम बड़ी होशियारी का है, इसे आपको ही करना होगा। राजन,
कल मैं और तुम इस काम के लिए जाएंगे। श्योर बॉस, अब तुम लोग जा सकते हो। गुड नाइट बॉस। गुड नाइट। मैंने कहा कल नाजुक काम से जा रहे हो। क्यों, एतबार नहीं है क्या? मैं हर मामले में तुम्हारा एतबार कर सकती हूँ, मगर समझा। दोस्त कौन? जॉनी? हाँ, बेचारा मोटरसाइकिल से गिरकर बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा है, बार बार आपका नाम ले रहा था। मैंने सोचा किसी तरह से भी आपको ढूंढ निकालूं। सोचने का वक्त नहीं, बाहर मेरी मोटर खड़ी है, चलिए मेरे साथ। चलिए। बंद हो रहा साहब? बंद हुआ तो क्या हुआ, ये लो चाबी और खोल दो होटल। वेरी गुड साहब, वेरी गुड। आइए। हाँ साहब, चाय लो या कॉफी? कहो शाह, क्या पियोगे? कुछ भी हो मगर गर्म गर्म हो। सच? हाँ साहब, चाय लाओ या कॉफी? तुम ही बताओ क्या पिए, चाय या कॉफी? दोनों की बात अलग होती है साहब, चाय तो होती है चाय, यानी के लो। और कॉफी? कॉफी हमारी मजेदार होती है, जैसे थोड़ी कड़वी थोड़ी मीठी, यानी के किसी हसीन का नखरा। अच्छा भाई, हम लोग ये दो गर्मा गर्म चाय लिया। ओके बॉस। क्या सोच रही हो उषा, मालूम होता किसी को याद कर रही हो। हाँ, मैं सोच रही थी अगर वो बहादुर उस वक्त वहां ना पहुंचता तो न जाने आज मुझ पर क्या बीतती। अच्छा जी, लगता है और लड़कियों की तरह तुम भी सुपरमैन को दिल दे बैठी हो। दिल यानी हार्ट, जिसे भाषा में हृदय कहते हैं। बड़ी किस्मत वाला है सुपरमैन, न जाने इस वक्त कहाँ है। मेरे सुपरमैन तो इस वक्त मेरे सामने। सच उषा? झूठ झूठ।
नहीं सच। चाय लिया है? चाय नहीं कहिए साहब, चाह कहिए। चाह यानी के लव, जिसे भाषा में प्रेम कहते हैं। तुम डायलॉग तो खूब बोले तो यार, होटल के बेरे के बजाय तुम्हें फिल्म एक्टर होना चाहिए था। पहले यही काम करता था, साइड हीरो का। लेकिन अपना एक दोस्त आ गया तो अपन ने सोचा उसी को चांस दो ना। कौन है तुम्हारा यार जिसे तुमने चांस दे दिया? अरे वही साहब, अपना यार दिलीप। चलें। Keep the change. Thank you sir. शुक्रिया, धन्यवाद। उषा एक मिनट यहाँ ठहरना, मैं ऑफिस टेलीफोन कर लूँ, शायद वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ क्या दोनों को टैक्सी में मंगाया गया? कहाँ? नंबर क्या है टैक्सी का? मालूम नहीं। दोनों फिर मिल गई कहाँ? हाँ 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 विरान बीच के पास। लेकिन आपका नाम क्या है जी? सुपरमैन। कौन सुपरमैन? वक्ता ने पर। हेलो यस टेलीफोन एक्सचेंज प्लीज। हाँ जी इंस्पेक्टर लिव स्पीकिंग, मुझे अभी मेरा टेलीफोन आया है, ट्रेस कीजिए कहाँ से कॉल आई है वो। हाँ जी यस यस पुलिस हेडक्वार्टर्स जी। क्या कहा? पब्लिक टेलीफोन बूथ से। ओ थैंक यू। मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोगों को हो क्या गया। बॉस मामला हाथ से ज्यादा बिगड़ चुका है और यह सब कुछ तुम लोगों के होते हुए हो रहा। अजीबोगरीब दुश्मन से पाला पड़ा है जो अकेला होते हुए भी हम सबसे ज्यादा होशियार और ताकतवर। मगर यह है कौन? कोई भी बेहतर यही है कि बात बिगड़ने से पहले हम लोग ये जगह खाली कर दें। दुश्मन हमारी आंखों के सामने दोनों लड़कियों को उठाकर ले गए, सो अब ये जगह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। मैडम ठीक कहती बॉस, मेरी भी यही राय। रॉबर्ट तुम सब लोग एक जगह खाली करने का इंतजाम करो। कमांड रॉबर्ट। राजन ठहरो। राजन आज कैसे भी हो कहीं से भी हो उस नकाब पोश सुपरमैन का ड्रेस पैदा करो। यस बॉस। ये बहुत जरूरी है। शशि ये प्लान क्या है? आज का अखबार पढ़ा? सुपरमैन की बहादुरी का कारनामा। इस सुपरमैन की वजह से यह जगह खतरे से खाली नहीं है, मगर मैंने भी एक तजवीज सोची है। आज तक यह सुपरमैन अपनी बहादुरी के कारनामे कर रहा है, कल से दूसरा सुपरमैन दूसरे कारनामे शुरू करेगा। समझी। शशि तुम दो चार खास लोगों को लेकर कॉटेज में शिफ्ट हो जाओ। ये भी लो, शायद इसकी जरूरत पड़े।
टाइम्स अप। चलो जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो, चलो जल्दी करो, सुपरमैन इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारा पर्स आउट आउट, गेट आउट। पुलिस स्टेशन। यस सुपरमैन। सुपरमैन ने पिस्तौल दिखाकर 4000 रुपए छीन लिया। जरा भी आवाज निकाली तो गोली सीने के पार हो जाएगी। जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, सुपरमैन इंतजार नहीं कर सकता। चलो सेफ खोलो। हाँ स्टेशन इंस्पेक्टर दिल्ली स्पीकिंग। जी क्या कहा? सेठ शंकरलाल के फ्लैट पर। हाँ क्या हुआ? तिजोरी खाली कर गया। लेकिन कौन? सुपरमैन जी। बॉस आपकी स्कीम 100% कामयाब रही। आगे आगे देखिए होता है क्या। आखिर हम भी किसी सुपरमैन से कम नहीं। ऐसे ऐसे कई लोगों से जिंदगी में वास्ता पड़ा और सबको यूं मसल के रख दिया। मगर बॉस कभी ऐसे मौके पर वो सुपरमैन आ गया तो हमें तो ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन हैं और वो कौन। इसकी भी पहचान होगी। आओ मेरे साथ। मुलाहिजा बॉस, तीर निशाने पर तो लग रहे हैं लेकिन इन तीरों का उस पर क्या असर होता है ये देखना बाकी है। ये भी देखा जाएगा मगर अभी कुछ और देखना बाकी है। वो क्या? पुष्पा का जिंदा नाच और गाना। Yeah.
अजी ताल्लुक हो या ना हो मगर वो सुपरमैन था, सुपर बहादुर दिलेर। आप दोनों के सुपरमैन के किस्सों के सिवा कुछ नहीं सोचता? जॉनी जॉनी सॉरी। लेकिन जिस बहादुरी से उसने मुझे गुंडों के कैसे छुड़ाया उसके बारे में आपका क्या ख्याल? बस बस प्लीज प्लीज। आप तो कान पकड़ते हैं लेकिन उसने तो आप दोनों के नाम लिए थे। गुड लॉर्ड, उसको मेरा नाम भी मालूम है। कहीं आपने मेरे घर का पता तो नहीं बता दिया? मजाक छोड़। मेरा ख्याल है कि ये नए किसी सुपरमैन को बदनाम करने के लिए है। कोई बदमाश उसके नाम से फायदा उठा रहा है। मुझे तो शक है कि आपको सुपरमैन से इश्क हो गया है। अपन तो गए काम से। अजी सुपरमैन को मारिए गोली, ये आपका खाकसर जॉनी भी किसी बात में कम नहीं। अच्छा? हाँ, ये चार पांच मरतबा सुपरमैन से सामना हो गया, उसका वो हाथ दिखाए वाह भाई जॉनी सुपरमैन, एक चूहे से डर गए तुम? चूहा? चलिए घर के लिए। गुड नाइट उषा। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए आइए, इसे रखिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? इंस्पेक्टर, मैं सुपरमैन के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर, ऑफ कोर्स। ये जो रोजाना सुपरमैन के नाम से कोई ना कोई वारदात होती है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मिस्टर जा, मेरा तो ख्याल है कि ये शरारत किसी बदमाश या डाकू की है। पुलिस पूरी पूरी तहकीकात कर रही है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मगर मुझे आजाद देश के एडिटर से पता चला कि सुपरमैन ने स्मगलर्स के बारे में आपको बजरिए टेलीफोन एडवांस में खबरें दी और वो सब सही थी। जी, आजाद देश के दफ्तर में काम करने वाली दो लड़कियों का बयान तो आपको मालूम ही है। हाँ साहब, और उस बयान से भी यही जाहिर होता है कि सुपरमैन एक निहायत शरीफ, नेक दिल और बहादुर इंसान है। तो सुपरमैन के बारे में आपकी क्या राय है? सॉरी, इस बारे में मैं कोई नहीं दे सकता। अखबारात में जिन हादसात की रिपोर्ट छपी है और जो लोगों ने बयान दिए हैं वो हमारे रिकॉर्ड में। अगर मैं इस बारे में कुछ काम करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? काम? मैं आपका मतलब नहीं समझा। इंस्पेक्टर, मेरा मतलब था मैं एक जर्नलिस्ट और देश का शरीफ शहरी होने के नाते इस मामले में कुछ दौड़धूप करना चाहता हूँ, मगर मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत होगी। जनता की सेवा और बेहतरी के लिए तो पुलिस हर वक्त हाजिर है। आप जब भी चाहें मुझे टेलीफोन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि उन बदमाशों में से कोई सुपरमैन को बदनाम करने के लिए ये हरकतें कर रहा है। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अब मैं जो कुछ भी करूँगा आपको उससे आगाह करता रहूँगा। अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं आपको तकलीफ दूंगा। बाय ऑल मींस मिस्टर जय, बाय ऑल मींस। ये आप अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस, आई जी स्पीकिंग। हाँ कहो दिलीप।
नहीं नहीं कोई खास जरूरत नहीं, तुम मिस्टर जय की इस मामले में हर मुमकिन मदद करो, और कोई खास खबर हो तो मुझे इतला करो। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। ओके स्टेला, ओ स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला। जॉनी को जॉनी को जॉनी, अब ये दिल तेरे दिल से फसेला। स्टेला, ओ स्टेला, ओ स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला। जॉनी को जॉनी को जॉनी, अब ये दिल तेरे दिल से फसेला। मेरे ख्वाबों में बसती है तू, मैं हूँ मस्त और मस्ती है तू। बिन तेरे हर मिनट ओ मेरी चॉकलेट, यूं लगे जैसे कड़वा करेला। ओ स्टेला, बिन तेरे हर मिनट ओ मेरी चॉकलेट, यूं लगे जैसे कड़वा करेला। मुझको हंस के जो तकते हो तुम, रोमियो जैसे लगते हो तुम। जूलियट की कसम सच्ची कहते हैं हम, दिल तुम्हारे लिए है रखेला। ओ स्टेला, जूलियट की कसम सच्ची कहते हैं हम, दिल तुम्हारे लिए है रखेला। दारू भरी यही आँखें है तुम पे मरी, हाथ पकड़ो जो तुम होके मस्ती में गुम, छोड़ दो सारे जग का झमेला। ओ स्टेला, हाथ पकड़ो जो तुम होके मस्ती में गुम, छोड़ दो सारे जग का झमेला। स्टेला, ओ स्टेला, ओ स्टेला, तेरा जॉनी था अब तक अकेला। जॉनी को जॉनी, अब ये दिल मेरे दिल से फसेला। डियर जॉनी, डार्लिंग स्टेला। डियर जॉनी, डार्लिंग स्टेला। डियर जॉनी, डार्लिंग स्टेला। बंसी, चाय तैयार हो तो प्याली ले आना। बंसी, उषा मैम साहब आ गई। जी सरकार। अरे तूने किसी से प्यार किया है? किया है सरकार। अरे उषा तुम आओ बैठो। सुपरमैन के बारे में कुछ लिखा जा रहा है? जी नहीं हुजूर, आपके बारे में लिख रहा हूँ। और सब काम धंधे छोड़ के अब रोमांटिक अफसाना पढ़ रहा है? जी हाँ, जब से आपको सुपरमैन से इश्क हो गया है तो मैं क्या करूँ। अरे बुद्धू, अब तो मजाक को सीरियस ले रहे हैं। चाय पियो। 50-50। हाँ, पहले तुम और बाद में हम। झूठी हो गई? तुम्हारा झूठा जहर भी हो तो हम पी लें। अच्छा उषा,
जरा अर्जेंट काम है, फिर मिलेंगे। कहाँ ले आया वो, जो काम करेगा उल्टा ही करेगा। हाँ कभी तो खामोश रहा करो। घबराने की क्या बात है, चलो इस रास्ते से चलो। यार तू तो सच में जासूसी कर रहा है, आखिर माजरा क्या है? मेरा सर, मेरा सर वो तो सलामत है। ओह गॉड, कुछ देर और इस वीराने की खाक छानते रहे तो अपना गुड बाय हो जाएगा। कोई बात नहीं, अकेले नहीं मरोगे। थैंक यू। चलो किसको कहते हैं, मोहब्बत कैसी होती है, किसी पर मरने वालों की तबीयत कैसी होती है। अजी हमसे पूछिए। देख के दिल का किसी पे आ जाना, नजर में आके जरा दिल से दिल का टकराना, खुशी से दिल की उमंगों का खिल के लहराना, मगर जो बात है दिल की उसे न कह पाना। किसी के शौक निगाह निगाहों का झुक के शर्मा, मोहब्बत किसको
कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, जिगर में जिगर में जिगर में दर्द उठता है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है। बस इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया। नहीं जी, और सुनिए। नजर से दिल के इशारे कलाम करते हैं, ये तीर वो है जो चुपके से काम करते हैं, अजीब हसीनों का सब एहतराम करते हैं, गुरूर वाले भी इनको सलाम करते हैं, मगर जो मर के किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, जिगर में जिगर में जिगर में दर्द उठता है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है। जी और क्या होता है, नजर में सैकड़ों अरमान जाग उठते हैं, जिगर में दर्द के पैकान जाग उठते हैं, किसी के प्यार के एहसान जाग उठते हैं, नए फसाने के उनवान जाग उठते हैं, कयामतों के ये सामान जाग उठते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, जिगर में जिगर में जिगर में दर्द उठता है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है। अजी ये सब खतरे हैं तो हम किसी हसीन की तरफ देखेंगे ही नहीं, किसी हसीन का दीदार हो ही जाता है, नजर का दिल पे जरा वार हो ही जाता है, लड़े निगाह तो इकरार हो ही जाता है, नजर मिले तो जरा प्यार हो ही जाता है, नजर से प्यार का इजहार हो ही जाता है, नशा ये ऐसा है सरकार हो ही जाता है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, जिगर में जिगर में जिगर में दर्द उठता है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, तमन्ना दिल में रोती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ऐसी होती है। Oh
चलो भाई चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। Inspector Dilip speaking. कौन? सुपरमैन? आज? जय और उसके दोस्त जानी को तुमने बचाया, लेकिन तुम हो कौन? जी? अजीब बात। आजाद देश दिल्ली प्लीज। इंस्पेक्टर दिलीप दिस साइड। हाँ देखिए, मिस्टर जय कुमार है? नहीं, कब आएंगे? 7 बजे। सुनो, मिस्टर जय कुमार जी उसके भी मेरा ख्याल है आप ही ने एक बार मुझे सुपरमैन के बारे में टेलीफोन किया। जी हाँ, अमूमन ऐसे काम मैं ही किया करता हूँ। तो जैसे आप इस बारे में आपकी क्या राय है? अजी ये क्या बताएंगे, आप मुझसे सुनिए। वीरान बीच पर समुद्र किनारे हम मछली का शिकार खेल लेंगे, तो दूर से कश्ती में गाने की आवाज आई। वो कश्ती नजदीक आती गई और आकर किनारे पर आ लगी, और उसमें से 1, 2, 3, 4, 5 नौजवान उतरे और उनके साथ 4 लड़कियां। अजी वो आदमी तो बस हम पर बरस पड़े और मारामारी पर नौबत आ गई, पर ये पता नहीं कहां गायब हो गए। अजी मैं अकेला और वो नौ और मैं अकेला, क्या आरज करूं। आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं। अजी पीछे पीछे मैं, आगे आगे वो। अरे आगे चलना। हाँ, इतने में कहीं से वो ही सुपरमैन आ पहुंचा। बस उसने वो मारा कि एक एक करके सब 9, 2, 11 हो गए, और थोड़ी देर बाद सुपरमैन भी गायब। इंस्पेक्टर, कल सुबह आप चंद सिपाहियों का हमरा हमारे साथ चलिए, मुझे यकीन है कि हम इस मामले के तह तक पहुंचे। बहुत बेहतर। तो आप मुझे कहाँ मिलेंगे? कल सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन, हम आपके साथ ही चलेंगे। वेरी वेल, आई विल वेट फॉर यू। साथियों, मामला बहुत नाजुक है, अगर इस बार जरा सी भी भूल हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस सुपरमैन के पास जरूर कुछ ज्यादा ताकत है। इसे फजूल बातें, वो सब पुलिस के लोग। बॉस, अगर वो पुलिस ही के आदमी है तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? शट अप, गधे हो तुम। थैंक यू। इधर पुलिस हमारी ताक में है,
उधर कल सुबह हमें सोना और शराब का गोलमाल करना है। क्यों, अपना जहाज आ गया है? जी, जहाज भी आ गया और तुम लोग भी तैयार हो जाओ, मगर इस बार मैं भी साथ चलूंगा। रॉबर्ट, yes, boss. कल सुबह तुम दो जीप लेकर किनारे पर खड़े रहना, मगर होशियारी से। अगर जरा भी शक पड़ जाए तो मोटर बोट लेकर बीच समुद्र आके मुझे कवर करना। अगर कल सुबह तक मुझे खबर ना मिली तो 7 बजे तक मैं वीरान बीच पहुंच जाऊंगा, समझे? आज की रात मैं भी आपके साथ चलूंगा। Of course, of course. लेकिन इस वक्त 9 बजे 12 बजे पहुंच जाऊंगा। दिल हमको ढूंढता है, हम दिल को ढूंढते हैं। दिल हमको ढूंढता है, हम दिल को ढूंढते हैं। मंजिल के पास आकर मंजिल को ढूंढते हैं, मंजिल के पास आकर उल्फत करो तो जाने, दिल दो तो हम भी माने। उल्फत करो तो जाने, दिल दो तो हम भी माने। दिल को लिए हुए हम कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। दिल को लिए हुए हम आसा है प्यार करना, करके निभाना मुश्किल। मुश्किल से लड़ने वाले मुश्किल को ढूंढते हैं, मुश्किल से लड़ने वाले। उल्फत है मौज दरिया, जिसका नहीं किनारा। उल्फत है मौज दरिया, जिसका नहीं किनारा। मौजों में घिर गए हैं, साहिल को ढूंढते हैं, साहिल को ढूंढते हैं। मौजों में घिर गए हैं, इस इश्क ने खबर है क्या क्या है गुल खिलाए। इस इश्क ने खबर है क्या क्या है गुल खिलाए। लैला को चाहने वाले महमिल को ढूंढते हैं, महमिल को ढूंढते हैं। लैला को चाहने वाले। यस यस दिलीप, तुम सुबह उन लोगों के साथ वीरान बीच पर जाओ और पूरे के पूरे ग्रोह को पकड़ने की कोशिश करो। और हाँ, वो रेक्स कुत्ते को वहां भिजवा दो। उस ग्रोह को गिरफ्तार करना है और वो भी बगैर गोली चलाए, ताकि मामले की तय तक पहुंच सकें। इंस्पेक्टर, ये रही वीरान बीच। वो गिरोह अक्सर यहीं आता है। जी हाँ, आगे चलिए। नंबर 25, तुम लोग छुप जाओ। जी बादशाह, मेरी सेफ्टी का क्या इंतजाम है? डर लगता है तो दस पे चढ़ जाओ। Thank you.
सब आदमियों को पकड़ लो, देखना कि भागने ना पाए। Thank you.
थैंक यू मिस्टर सुपरमैन। हेलो। लीजिए, मैंने अपने वादे के मुताबिक स्मगलर्स के बारे में मोस्ट सेंसेशनल खबर ला दी। अब मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। जरूर, इतनी मेहनत करने के बाद एक हफ्ते की छुट्टी तो जायज है। आपको इस संडे जरूर आना होगा। कहाँ? गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस जय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। डार्लिंग, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ फूल, और वो भी गोभी का। व्हाट मैन, गोभी का फूल? हाँ हाँ, ये दो काम आएगा, फूल का फूल और भाजी की भाजी। इसे कहते हैं अंग्रेजी में टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। डार्लिंग, अपन भी आज एप्लीकेशन कर देते हैं। एप्लीकेशन काय का? सिविल मैरिज का। शट अप, हमको नहीं मांगता। ओह गॉड, थैंक यू। जब औरत ना कहे तो उसका मतलब यस होता है। डार्लिंग, डार्लिंग भाग गई, मैंने भी तेरा पीछा छोड़ना, चाहे हाथ खड़ी लग जाए। इस इश्क ने खबर है क्या क्या है गुल खिलाए, इश्क ने खबर है क्या क्या है गुल खिलाए, लैला को चाहने वाले महमिल को ढूंढते हैं, महमिल को ढूंढते हैं, लैला को चाहने वाले। Thank you.